अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, जैसा कि पिछली वीडियो में हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको कैबन का भी विज़िट करवाएंगे। ये कैबन वेस्ट आउटर कैबन रेलवे स्टेशन चकजुमरा का वैली कैबन है, और इस पे भी पूरे आप इस तरह समझ लें कि ये एक मिनी स्टेशन है। पूरे स्टेशन का सिस्टम यहाँ पे मौजूद है, और आपसे वादा किया था कि हम आपको जो जब ट्रेन आती है तो उसका बैकअप पे जो ऑपरेशन रूम में जो ऑपरेशन चलता है, जो कम्युनिकेशन होती है, उसके बारे में आपको बताएंगे। तो आए फ्रेंड्स, हम आपको अंदर जो ऑपरेशन रूम में जो हमारे टूल्स हैं, जो मशीन्स वर्क करती हैं जब हम लैंड क्लियर देते हैं, तो उनके बारे में आपको बताते हैं तो किस तरह हम ये वर्क। फ्रेंड्स, मैं ऊपर आ गया हूँ, ऑपरेशन रूम में इस वक्त मौजूद हूँ। आप देख रहे हैं कि ये मेरे सामने कुछ इंस्ट्रूमेंट्स पड़े हैं। ये आपको डायग्राम नज़र आ रही है, ये एक इंस्ट्रूमेंट पड़ा है लैंड क्लियर है, जिससे कंफर्म किया जाता है। उसके साथ ही आपको ये लीवर्स भी नज़र आ रहे हैं, और ये हमारे डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं। मैं आपको वैसे थोड़ा सा जो है ना चीदा इनका मैं आपको इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ चीज़ों का। हिस्से वादा आपसे वादा किया था कि आपको सारी तफसील बताएंगे। एक गाड़ी एक्सपेक्टेड है, उसका हम लैन क्लियर दे चुके हैं फ्रेंड्स, तो वो अभी थोड़ी देर तक पहुँच जाएगी। उससे पहले हम ये आपको थोड़ा सा इन इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बता लें। ये आपको ब्लॉक फ़ोन तो नज़र आ रहा है, एक फ़ोन पड़ा हुआ है ये, तो ये हमारा अपने चकजुमरा स्टेशन के साथ कम्युनिकेशन का एक ज़रिया है। और इसका वैली कैबन नॉर्थ आउटर कैबन से हम इससे रब्ता करते हैं। ये मैं आपको दिखा सकूं तो ये इस तरह इसको मैनुअल घुमाया जाता है, और ये लॉजिकल भी आ गई, ये आप अटेंड करनी पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम, हेलो जी जी, हाँ ठीक हो गया सर, ओके ओके। तो इसका ये इससे हम रब्ता करते हैं अपने स्टेशन के साथ। इसके साथ ये मोटरोला आप वायरलेस सिस्टम देख रहे हैं, ये आपको मैं दिखा सकूं तो ये हम इससे कम्युनिकेशन करते हैं अपने स्टेशन के साथ भी कर लेते हैं, नेक्स्ट स्टेशन के साथ भी करते हैं, और ये ट्रेन ड्राइवर्स और ये गार्ड वगैरह के साथ भी हम वाया वायरलेस भी अटैच रहते हैं। तो इस डायग्राम में आपको
नज़र आ रहे हैं ये फ्रेंड्स, ट्रैक्स के ऊपर डायग्राम बनी हुई है। इसका मतलब है ये हर स्टेशन पे ये एक डायग्राम लगी होती है, जहाँ पे हम लाइन क्लियर देना होता है गाड़ियों को या ट्रेन पास करनी होती है, हर उस स्टेशन पे ये डायग्राम होती है। इसका मकसद ये होता है लगाने का कि ये एक स्टेशन मास्टर अंदर बैठकर अपने इस डायग्राम के ज़रिए अपने सारे स्टेशन यार्ड का, स्टेशन लिमिट्स में जो जो भी चीज़ आती है, जो सिग्नल्स आते हैं, जो पॉइंट्स आते हैं, जो फाटक आते हैं इवन, उनके बारे में स्टेशन मास्टर इधर अंदर बैठ कर ही अंदाज़ा लगा लेता है और कंफर्म कर लेता है कि मेरे इतने ट्रैक्स हैं, इतने पॉइंट्स हैं, इतने गेट हैं, और ये मेरे मेरे स्टेशन पे सिस्टम कौन सा चल रहा है। हमारे ये मुख्तलिफ सिस्टम भी होते हैं, ये इंस्ट्रूमेंट्स जो आप देख रहे हैं, ये भी बहुत सारे स्टेशनों पे बहुत सारे सिस्टम चल रहे हैं, यानी कि बहुत सारी इकसाम हैं इनकी, मुख्तलिफ तरीके से हम लाइन क्लियर कन्फर्म करते हैं। तो हमारे ये स्टेशन पे ये सिस्टम लगा हुआ है, तो इसको बाल टोकन सिस्टम बोलते हैं। तो इस स्टेशन इस का मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, इसमें यहाँ से हम एक टोकन डालते हैं इसमें, जो हमें कोई भी पास होने वाली ट्रेन ड्राइवर जो है वो टोकन हमें रिसीव करवा के जाता है। तो इसमें ये टोकन मौजूद होता है। अब जब लैन क्लियर, अगर नेक्स्ट स्टेशन ने हमसे लैन क्लियर लेना है कि वो समझता है कि उसके पास एक ट्रेन आ रही है और हमारी तरफ वो ट्रेन को भेजना चाहता है, तो वो हमसे रब्ता करेगा वाया PTCL करेगा। हमारे वो PTCL का सिस्टम भी मौजूद है हमारे, और ये एक इसके साथ ब्लॉक फोन भी आपको फ्रेंड नज़र आ रहा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इसके साथ भी, इसके ज़रिए भी रब्ता हो सकता है, वायरलेस के ज़रिए भी हम रब्ता कर लेते हैं। तो वो हमसे लैन क्लियर डिमांड करेगा, तो वर्बली तो हम उसको कहेंगे कि हाँ हम रेडी हैं, हम तैयार हैं, आपको लैन क्लियर देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लैन क्लियर हो गया, बस हो गया, चला दो गाड़ी, चला दो। इस पे रेल में सिर्फ वर्बल स्टेटमेंट कोई अहमियत नहीं रखती, वर्बल स्टेटमेंट्स पे कोई इतमाद नहीं होता। अगर खुदा न खास्ता आप वर्बल स्टेटमेंट पे गाड़ी चलाना चाहेंगे तो आप नहीं चला सकेंगे, अगर चलाएंगे तो उस का कोई ना कोई एक्सीडेंट हो सकता है, अल्लाह ना करे। तो वर्बल कम्युनिकेशन होती ज़रूर है, लेकिन इंस्ट्रूमेंटल जो है ना, इधर टेक्निकली हम जो लैन क्लियर देते हैं, तो वो हमें डिमांड करेगा और हम इसको प्रेस करेंगे। मैं आपको नज़र अगर दिखा सकूं तो इसको वो भी प्रेस करेंगे और हम भी प्रेस करेंगे, तब इसको घुमाएंगे तो वो टोकन एक निकलेगा, हम प्रेस करेंगे तो उस स्टेशन पे जो इस किस्म की मशीन पड़ी हुई है उसमें से टोकन यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकल के बाहर आ जाएगा टोकन, और उसका बाकायदा नंबर एक्सचेंज किया जाएगा कि ये फलां नंबर टोकन जो है वो अगर ड्राइवर के पास आया तो इट मीन कि मैंने लैन क्लियर आपसे लिया है, तो वो ड्राइवर टोकन लेके आएगा। ये टोकन जब स्टेशन मास्टर निकाल लेता है तो उससे अगला नेक्स्ट जो प्रोसेस जो स्टार्ट होता है वो सिग्नल डाउन करने का होता है। फ्रेंड्स ये आपको लीवर नज़र आ रहे हैं, ये लीवर पे मुख्तलिफ किस्म के कलर भी आपको नज़र आ रहे हैं, ये रेड है, ये तकरीबन ब्लू है, ये भी रेड है, और इसमें एक वाइट भी है और एक रेड रेड ग्रीन है, ये आपको नज़र आ रहा है। तो ये लीवर्स की मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, यानी कि आपको मैं ये दिखाता चलूँ कि ये स्टेशन मास्टर जब लैन क्लियर दे देता है नेक्स्ट स्टेशन को, तो यहाँ पर अपने इन अपने स्टेशन पे अपने रूम में वो ऑपरेशन स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पे आपको ये स्लॉट नज़र आ रहे हैं फ्रेंड्स, ये मैं खींच रहा हूँ स्लॉट, स्लॉट्स पे नंबर भी आपको नज़र आ रहे हैं, ये सलाट हैं पॉइंट्स के, रूट सेट करने के ये सिग्नल हैं जो स्टेशन मास्टर अपने पॉइंट्स मैन को देगा, अपने कैबन मैन को देगा, यानी कि वो मेन लाइन पे ले जाने के लिए, मेन लाइन पे गाड़ी रिसीव करने के अलग सलाट हैं, कॉल लाइन पे ट्रेन रिसीव करने के अलग सलाट हैं। तो जब ये सलाट हम ये खींचेंगे तो हमारे कैबन मैन को पता चल जाएगा, कैसे चलेगा कि स्टेशन मास्टर ने लाइन क्लियर दे दिया है। ये आप ऊपर एक बार देख रहे हैं फ्रेंड्स, ऊपर ये 20, 19, 18, 17, 16, 15 ये नंबर भी लगे हुए हैं, ठीक है, ये नीचे हर लीवर पे अपना अपना नंबर लगा हुआ है, ऊपर ये भी नंबर लगे हुए हैं, ये भी आप
अगर नजर आ रहे हो तो ये ऊपर इनमें आप एक निडल भी आपको नज़र आ रही है फ्रेंड्स। जब हम सलाट इधर इधर स्टेशन मास्टर जो है ये सलाट देगा तो उधर ये निडल हैं उनके नंबर भी हैं, जिस 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 नंबर का जिस लाइन नंबर का हम उधर सलाट देंगे ना उस लाइन नंबर का इधर बजर जो है ना वो बजना शुरू हो जाएगा, एक घंटी बजनी शुरू हो जाएगी तो पॉइंट्स मैन समझ जाएगा और ये निडल उस तरफ यानी कि मूव कर जाएगी एक साइड पे, और कैबन मैन समझ जाएगा कि ये फलां नंबर पे ट्रेन जो है वो स्टेशन मास्टर रिसीव करना चाहता है। तो उसके मुताबिक उन नंबर्स को देख कर कैबन मैन जो है वो यहाँ से आपने लीवर सेलेक्ट करेगा। ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ब्लू लीवर्स, ये लॉक के लीवर हैं। ये इनमें एक आपको 8 नंबर जो ये ब्लैक नज़र आ रहा है तो ये पॉइंट्स का लीवर है, यानी कि कांटा सेट कांटा बनाने का लीवर है कि कौन सी लाइन पे लेना है। पहले हम कांटा ये लीवर खींचते हैं लाइन सेट करने वाला, उसके बाद ऊपर से लॉक भी किया जाता है कि कांटा बैक ना चला जाए, तो वो लीवर के ज़रिए लॉक होता है। और ये जो हैं ये आपको नज़र आ रहे हैं रेड, ये सिग्नल्स के लीवर हैं। सिग्नल मीन के ड्राइवर को पता चल जाता है, ये मैं अगर आपको दिखा भी सकूं फ्रेंड तो ये आपको सामने हमारे सिग्नल्स नज़र आ रहे हैं। वो ये लीवर जब हम पुल करेंगे तो वो सिग्नल डाउन हो जाएगा अपनी मखसूस लाइन का, तो जब सिग्नल डाउन हो जाएंगे तो स्टेशन ट्रेन ड्राइवर जो है उसको कंफर्म हो जाएगा कि गाड़ी जो है वो उसको अलाउ स्टेशन मास्टर ने किया हुआ है, ये नेक्स्ट स्टेशन ने अलाउ किया हुआ है कि मैं इंटर हो सकता हूँ, और वो अपनी स्पीड के साथ इंटर हो जाता है। लेकिन अगर हमारा सिग्नल डाउन नहीं है, बेशक रूट सेट है, कांटे क्लियर है, मुकम्मल है, लॉक एंड डाउन लॉक भी हैं सेट भी हैं, तो भी ड्राइवर जो है ना वो इंटर नहीं होगा, उसका सिग्नल उसको नहीं इंटर होने देगा, वो उसको कॉशन मिल जाएगा एक किस्म का कि वो कहेगा कि सिग्नल डाउन नहीं है, देयर मे बी समथिंग रॉन्ग, तो वो रुक जाता है सिग्नल के बाहर। तो जब सिग्नल डाउन हो, प्रॉपर तरीके से सिग्नल डाउन हो, ड्राइवर ड्राइवर की नज़र एक स्टेशन के लिमिट में दाखिल होने से पहले ही ड्राइवर की नज़र सिर्फ और सिर्फ सिग्नल पे होती है, और वो सिग्नल को देखता है, अगर सिग्नल डाउन है तो वो ड्राइवर इंटर हो जाता है स्टेशन में, स्टेशन यार्ड में, तो अगर सिग्नल डाउन नहीं है तो ड्राइवर रुक जाता है, उसे एक किस्म की वार्निंग होती है कि आप यू यू कांट प्रोसीड इन द स्टेशन लिमिट्स, तो वो रुक जाता है। तो फ्रेंड्स ये आज की वीडियो उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी, तो नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो भी हम इंशाल्लाह ताला मेन स्टेशन पे बनाएंगे। आप मेन स्टेशन का सिस्टम भी बिल्कुल इससे डिफरेंट है और उसका ऑपरेशन भी इससे मुख्तलफ है, और उस पे हम इंशाल्लाह ताला आपको नेक्स्ट वीडियो में हम दिखाएंगे कि हम मेन स्टेशन पे किस तरह ऑपरेशन होता है। तो हमने आपको ट्रेन भी दिखाई, ट्रेन पास हो रही थी, कोशिश की है कि आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा उसको हम शेयर करें। तो फ्रेंड्स एक सवाल है आपके जहन में होगा, यकीनन होगा, कि अगर नेक्स्ट स्टेशन इंसान है गलती कर जाता है बगैर किसी लाइन क्लियर कन्फर्म किए, कोई लाइन क्लियर लिए बगैर इधर सिस्टम के ज़रिए लाइन क्लियर लिए बगैर ही ट्रेन चला देता है, तो फिर क्या होगा? क्या उस ट्रेन को बचाने का कोई तरीकाकार है, या उस ट्रेन को अल्लाह ना करे किसी बड़े हादसे से बचाया जा सकता है? वैसे तो फ्रेंड्स एक मिसाल बनी हुई है, एक ज़रबुल मिसाल बनी हुई कि कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आ सकता, और ना ही उसकी डायरेक्शन तब्दील हो सकती है। ये एक ट्रेशन एक स्टेशन से एक थ्रू में आती हुई ट्रेन, उसको अगर कोई स्टेशन मास्टर उसको थ्रू ही रखता है, उसको आगे की तरफ प्रोसीड कर देता है, उसको चला देता है, तो वो भी एक किस्म का तीर ही होता है जो कमान से निकल चुका होता है। मगर
आने वाली वीडियो में हम आपको ज़रूर बताएंगे क्या हम उस तीर को वापस कमान में ला सकते हैं, या उस तीर की कोई डायरेक्शन तब्दील कर सकते हैं, और या उस तीर को अपने निशाने पे लगने से बचा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखना। इंशाल्लाह ताला ये आपका हम सवाल का जवाब ज़रूर देंगे और आपको बताएंगे कि एक ट्रेन अगर नेक्स्ट स्टेशन से प्रोसीड कर आती है तो उसको आगे फिर किस तरह उसको मैनेज किया जाता है, मैनेज किया भी जाता है, हो भी सकती है या नहीं हो सकती। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।